गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. दिस इज़ योर EVS क्लास एंड इन दिस क्लास वी विल डू आवर चैप्टर 7, दैट इज स्कूल. ओके, सो डेट इज 15 जुलाई, 2021 एंड आवर चैप्टर नेम इज स्कूल. यस, वी गो टू स्कूल टू स्टडी. हम स्कूल में स्टडी करने जाते हैं. आवर टीचर्स टीच अस मैनी थिंग्स. आवर टीचर्स, हमारी टीचर्स अध्यापिकाएँ हमें बहुत सी टीच करती हैं, बहुत सी. यस, जो टीचर्स होती हैं अध्यापिकाएँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं. वी लर्न रीडिंग राइटिंग ड्राइंग एंड सो ऑन. क्या क्या सीखते हैं हम रीडिंग पढ़ना सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं, ड्राइंग सीखते हैं और बहुत कुछ. वी लर्न गुड हैबिट्स, हम अच्छी आदतें सीखते हैं एंड गुड मैनर्स टू, और हम अच्छा व्यवहार करना भी सीखते हैं. दिस इज़ आवर स्कूल. ओके, एंड दिस इज़ आवर क्लासरूम. वी स्टडी इन आवर क्लासरूम. ओके, वी स्टडी इन आवर, हम अपनी कक्षा में पढ़ते हैं. द क्लासरूम has a big blackboard. The teacher writes on the blackboard. Okay, classroom has a big blackboard and the teacher writes on the blackboard. यहाँ पर कक्षा में एक बड़ा सा blackboard होता है जिस पर teachers लिखते हैं, writes. ठीक है. There is a big desk for the teacher and a small desk for each student. There is a big desk. एक बड़ा डेस्क होता है जो टीचर के लिए होता है. ओके, और स्मॉल डेस्क होता है जो हर स्टूडेंट के बैठने के लिए होता है, फॉर ईच स्टूडेंट. वन वॉल हैज़ अ सॉफ्ट बोर्ड. वॉल, दीवार, एक दीवार पर एक सॉफ्ट बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, चार्ट्स लगाते हैं. सॉफ्ट बोर्ड होता है ये. देयर आर चार्ट्स ऑन द सॉफ्ट बोर्ड. देयर आर बिग विंडोज़, बड़े बड़े खिड़कियाँ होती हैं यहाँ पर. ओके, विंडोज़ मतलब खिड़कियाँ होती हैं. दे लेट इन प्लेंटी ऑफ लाइट्स, जिनसे कि बहुत सारा प्रकाश अंदर आता है. ठीक है. सो देयर इज़ अ डस्टबिन इन वन कॉर्नर. एक कॉर्नर में, एक कोने में क्या होता है, डस्टबिन होता है. वी नो वी थ्रो आवर पेंसिल शेविंग एंड वेस्ट पेपर इन टू इट. हम इसमें क्या क्या डालते हैं, थ्रो डालते हैं या फेंकते हैं. पेंसिल शेविंग, जो हम पेंसिल शार्प करते हैं, जो उसका शार्प करने से जो भी मटेरियल आता है वो, और वेस्ट पेपर, कोई भी ख़राब पेपर हम डस्टबिन में डालते हैं. ओके, दिस इज़ आवर लाइब्रेरी. दिस इज़ म्यूज़िक रूम एंड दिस इज़ सिक रूम एंड प्लेग्राउंड. ओके, वी गो टू द लाइब्रेरी टू रीड स्टोरी बुक्स. लाइब्रेरी में हम क्यों जाते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए. ओके, वी हैव सिंगिंग क्लासेस इन द म्यूज़िक रूम. म्यूज़िक रूम में क्या होता है, सिंगिंग क्लासेस होती हैं, हम गाने की कक्षाएं होती हैं हमारी गाने की. ओके, तो वी प्ले इन द प्लेग्राउंड. और प्लेग्राउंड में हम क्या करते हैं, खेलते हैं. वी गो टू द सिक रूम. सिक रूम होता है जब कभी कोई बीमार हो जाता है तो वह सिक रूम में रेस्ट करने के लिए जाते हैं. इफ़ वी आर नॉट फीलिंग वेल, जब अगर कोई हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, बीमार महसूस कर रहे हैं, तो हम जो कि बीमार आदमी के लिए रूम होता है वहाँ पर जाते हैं फॉर रेस्ट. प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड स्टाफ रूम. यस, द प्रिंसिपल सिट्स इन एन ऑफिस. प्रिंसिपल कहाँ बैठते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं. द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल. जो प्रिंसिपल होते हैं वो स्कूल के हेड होते हैं, मुखिया होते हैं. द टीचर सिट्स इन द स्टाफ रूम व्हेन दे आर नॉट इन क्लास. टीचर्स कहाँ बैठते हैं, जब उनके पास कक्षा नहीं होती, उनका कोई पीरियड नहीं लगा होता, तो वो स्टाफ रूम में बैठते हैं. ओके, सो देर आर सम न्यू वर्ड्स लाइक हैबिट. हैबिट मीन्स समथिंग दैट वी यूजली डू, लाइक ब्रशिंग आवर टीथ.
हैबिट्स होती हैं जो हम अक्सर करते हैं, जैसे कि डेली ब्रश करते हैं, मैनर्स वे ऑफ बिहेविंग, आपका बिहेव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो इसी को बोलते हैं मैनर्स। पेंसिल शेविंग, थिन पीसेज ऑफ वुड, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, दैट कम ऑफ अ पेंसिल व्हेन वी शार्पन इट, जब हम इसको शार्प करते हैं पेंसिल को, तो जो उसका शेविंग आता है, जो उसका वुड वाला पार्ट आता है, लकड़ी का थोड़ा सा पार्ट आता है, उसे बोलते हैं पेंसिल शेविंग। वेस्ट पेपर, पेपर दैट वी थ्रो अवे, वेस्ट पेपर कौन सा होता है, जिसको हम फेंक देते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइज ओरल क्वेश्चन, नेम थ्री थिंग्स दैट वी लर्न इन स्कूल, थ्री थिंग्स रीडिंग राइटिंग एंड ड्राइंग। Who is the head of the school? Yes, the principal is the head of the school. Write T for true and F for false. We learn good manners in school. Yes, T for true. Yes, we put waste paper in the dustbin. Yes, it's right. T for true. We put charts on the blackboard. Wrong. We put charts on the softboard. Okay, so false. F for false. Next, we write on the softboard. No, we write on the blackboard. Okay, it's false, so you will write F. Sick children can rest in the library. No, sick children can rest in the sick room. So it's false and you will write here F. Yes, fill in the blanks. We study in the classroom. CLASSROOM room. We play in the playground. PLAYGROUND ground. Yes, we read storybooks in the library. LIBRARY. Yes, the principal sits in an office. OFFICE office. The teachers sit in the staff room. STAFF staff room. Yes, why do we go to school? We go to school to learn reading, writing and good habits and study also. Okay. Which is your favorite place in school? What do you do there? Okay. You will write your favorite place in school. Okay. And what do you do there? Aur wahan par aap kya karte ho? Of course, children's favorite place in the school is playground. And they go to play there. Okay. So, and read and fill in. Many children go to school in this school bus. Bus, B-U-S, bus. You carry your books in this school book. School, S-C-H-O-O-L, bag, B-A-G, bag. You wear this special dress to school uniform. F-U-N-I-F-O-R-M. You carry food in this lunchbox. L-U-N-C-H. B-O-X, box. Okay. Now activity. Trace over the dotted line, color the picture you get. You will match. Okay. You will trace over the dotted and color the pictures. Okay. Thank you.